हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और देखिए, आज मुझे मिला है गिफ्ट, मेरे पति देव ने दिया है मुझे गिफ्ट। काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे ये चाहिए, आज आखिर में मिल ही गया। नए साल पे बोला था। देखिए, मैं खोल के का। चल, अच्छा खोल खोल। मिष्टी भी बहुत खुश है और मिक्की भी बहुत खुश है कि पापा क्या लेके आए गिफ्ट में। देखिए, मिष्टी दिखाएगी आपको। क्या है ये? फोन है। टिकट देखो। अच्छा, ये ऑनलाइन मंगाया है। ये टिकट देखो कौन सी, मैं दिखा दूं। ये टिकट तो पापा देखेंगे। ये पर्ची है बेटा, आप खोलो। हाँ खोल, दिखा। ये नए साल पे मिलना था मुझे, इसे टाइम लग गया आने में, तो इसी वजह से मुझे नए साल पे नहीं मिला। कोई बात नहीं, दो तीन दिन फालतू हो गए, चलता है। अच्छा, आज बहुत खुश हूँ मैं। बहुत दिनों से बोली थी, अब बहुत दिनों से नहीं, बहुत सालों से बोल रही थी मुझे फोन दे दो। मम्मी, आप कैसे खोला था? चलिए, आपके आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ फोन। ये फोन मिला है मुझे गिफ्ट में। और ये कवर है। और ये कवर बेटा देखो, इसमें लगा लो। मैं लगाऊंगा। अरे गिरा ना दिए बाबू। मिक्की ना कलर चेंज की वो करा था, पसंद करा था। मिक्की ना बोला था पापा ये कलर फोन करियो ऑनलाइन, बच्चों से ही पूछा था। देखिए ये कितनी खुश है, खुद लगा दी कवर भी। अच्छा, क्या देख रहेगी सीमा बाबू? कार्टून? ये तेरे कार्टून के लिए है सच्ची? ये बोल रही थी कि मम्मी का फोन तो मैं देखूंगी और पापा का फोन भैया देखता है, हैं? अच्छा, ये देखिए, ये लग गया इसमें, हो गया। और ये तोड़ दूं? नहीं बाबू, इसे ऐसे करते हैं बस। कैसा लगा फोन? मैं खोल के देखूं? नहीं, अब इसमें कुछ नहीं है बाबू, अभी चार्ज करेंगे इसे। आपका है तो नहीं बैटरी? सुन तो बता दो, आपको हमारा फोन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मैं बहुत खुश हूँ, आज काफी सालों बाद मुझे फोन मिला है। इसे कवर को हटा, अब खेल मत बना इसका। 12 साल बाद मिला शादी से। शादी को 12 साल हो गए, उससे बाद टच वाला फोन आज मिला। वैसा तो फोन था पर टच वाला फोन नहीं था। और चलिए, मैंने फोन तो आपको दिखा दिया है, अब करती हूँ अपना घर का काम, यही कपड़े धोने हैं। ये छोटे छोटे जुराब दुनिया भर की हो जाए बच्चों की सर्दियों में। और देखिए कितनी, एक खाटिया भर गई और एक खाट में भर गई। मिष्टी बेटा, ये जुराब उठा ले, नीचे गिर गई। ए मिष्टी, ये बेटा दे, ये उठा कर। लड्डू की तो कितनी जोड़ी है, सारी जुराब धो दी क्या नीचे? हाँ नहीं, बच्चों की तो ज्यादा हो जा, कितनी जोड़ी बदल देना एक दिन में। पापा अब खोल लो, खोल लो। थोड़ी देर। नहीं बेटा, बात मन लग रहा है। ठीक है पापा मम्मी की। और देखिए, आज 2 दिन के बाद धूप निकली है, तो 2 दिन के कपड़े हैं हमारे, आज सारे धो दिए। सुबह सुबह धूप भी निकल गई, अच्छा मौसम हो रहा। सारी छत हमारी कपड़ों से भरी हुई है। और बच्चे हमारे जा रहे बाहर खेलने के लिए, और लड्डू हमारा नीचे है और रितु भी नीचे है।
आज हम खाने में बना रहे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल आज दाल चावल बना रहे काफ़ी दिनों के बाद। और चलिए आपको मीनाक्षी के भी मिलाती हूँ। आप बोलते हो कि मीनाक्षी कहाँ है कहाँ है, चलिए। और देखिए कपड़े मैंने सारे फैला दिए हैं। और चलिए आपको आज मीनाक्षी से भी मिलवाती हूँ, वो छत पे धूप में बैठी है। वो देखिए ये रही मीनाक्षी, हेलो बोलो। हेलो। उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब सी रहती है ना, क्योंकि उसका पूरा टाइम आ चुका है, हमारे घर कभी भी बेबी आ सकता है, तो इसी वजह से उसे थोड़ी सी चलने फिरने में दिक्कत सी होती है, तो वो बेड रेस्ट करती है। डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा घूमना नहीं फिरना नहीं, वजन वजन का काम नहीं करना, ऊपर नीचे नहीं जाना, तो इसी वजह से हम उस पर कुछ नहीं कराते, बस वो अपने कमरे में या बाहर धूम में आती है, खाने के लिए भी हम ऊपर ही ले आते हैं। बस वैसे ठीक है मीनाक्षी। हाँ वैसे ठीक है, वैसे ठीक है, बस थोड़ी सी मीनाक्षी पे ना सोई आई है, क्योंकि ऐसे हाल से बोलते हैं बड़े या बुजुर्ग, हमने भी पूछा है बड़े जैसे दादी हुई अम्मा हुई, तो उनसे उन्होंने सब ने कहा है ऐसा, तो सोई वही आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर ने भी ऐसे ही बोला है कि कोई दिक्कत सी बात नहीं है, ठीक है, सब नॉर्मल है। चलिए अब अपने काम पे लग जाते हैं। तो देखिए सुबह मैंने दूध तत्ता रखा था, देखिए मलाई भी जम गई है, थोड़ा सा अब उबल से गया है, कोई बात नहीं, ये शाम तक ऐसे ही रखा रहेगा, गर्म रहेगा, इसे ढक दूंगी तो शाम को ले जाएंगे शाम। बंदर का डर लगता है, इसी वजह से इसे ढकना पड़ता है, क्योंकि बंदर आ जाएंगे तो इसे खोल के सारा दूध इकट्ठा कर देंगे, पीने के तो है नहीं, क्योंकि गरम गरम है। आज मौसम भी अच्छा हो रहा, धूप भी निकल रही, थोड़ी सी सर्दी से राहत है। इन्हें भी खोल दूँ, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, दो तीन दिन से बारिश हो रही, इन पे भी धूप लग गई। ये हमारे हारी चिंद है। ये बड़ा चिंदा, ये सारी लड्डू की करमात है, मम्मी ठीक करो जा, लड्डू फोड़ फोड़ का खाओ जा। जो बारिश आ गई थी कल अचानक से, इसे ढकना पड़ेगा बिना लिपे ही, इसका पोचा लगा दूं। ये मिट्टी पहले से ही घोल के रखते हैं पानी में, इसके लिए ही रखते हैं कि चूल्हा लीपने के लिए पोचा लगाते हैं जैसे, तो ये भी अच्छा बन जाता है, पोचा लगा के नया बन जाता है हमारा चूल्हा। भैया को बताया है फोन का सब, फोन का सरप्राइज तो दे भैया को, कहाँ है भैया, बोल लो तो भैया, पापा फोन लेके आए, देख कैसा जल्दी आऊंगा थोड़ा थोड़ा, जन्नू को फोन आ गया भैया, मुझे इसका पता नहीं, पता नहीं यहाँ ही तो था घर नीचे, देखा आलिया जी भी आ गई, चाह बाबू और देखिए नीचे जैसे खाना बन चुका है हमारा दाल चावल, बस हमारा पोचा बाकी है, वो जाके मैं नीचे पोचा भी लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऊपर आई थी कपड़े धुलाने के लिए, और ये दूध देखना भी पड़ता है एक दो बार, जो कच्चा दूध रह जाता है तो उसमें गुस्से दोबारा लगाते हैं ताकि वो अच्छा सा पक जाए, मलाई मोटी आ जाए, मलाई आने से ही वो पकता है। चलिए हमारा चूल्हा भी लिप चुका है, अच्छा हो गया।
राजम के तीन ऊपर दो नीचे है ना, आज ऊपर नहीं गया लड्डू, धूप में नहीं गया, नीचे ही है। देखिए कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। हेलो बोल दे अपने दोस्तों को, बोल हेलो, हेलो बोल, हेलो बोल, चलिए हेलो बोल रहा लड्डू आपको। यो चंबित है क्या कर रहे, पूछ लेने को आप मेरे दोस्तों क्या कर रहे आप, ठीक भी हो, पूछिए, पूछता नहीं, मुंह में तो पूछ ले रहा, देखो नहीं कुछ नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में बेटा, बाय बाय कर, बाय बाय। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खुश है बहुत ज्यादा बाय कर रहा, चलिए बाय बाय।